एफसीआई के गोदाम आधुनिक तकनीकी से होंगे लैस। अधिकारियों के साथ आज मीडिया कर्मियों ने एफसीआई गोदाम की कार्यप्रणाली को जाना। पारदर्शिता के लिए जानकारी एफसीआई के मैनेजर डिपो दयाशरण मीना ने दी जानकारी। खाद्यान्न से खरीद से लेकर वितरण तक सभी कार्य आधुनिक तकनीकी से होंगे ऑनलाइन। मीना ने जानकारी देते हुए बताया कि आगामी 6 महीनों में एफसीआई खाद्यान्नों से जुड़े सभी वाहन जियो टैगिंग से होंगे लैस। बता दें, मीना ने कहा कि आने वाले समय में सभी एफसीआई से जुड़े हुए वाहन आधुनिक जियो टैगिंग से लैस होंगे। पंजाब हरियाणा से आने वाले खाद्यान्न ट्रकों में लोड होने से डिपो तक पहुंचने की गतिविधियां अधिकारी देख सकेंगे ऑनलाइन। एफसीआई अधिकारियों ने पत्रकार वार्ता के दौरान दी जानकारी। बता दें, इस दौरान एफसीआई के यशपाल सिंह, सूरजमल शर्मा, यशद मिश्रा, निखिल, ममता शर्मा, रमा शर्मा, उर्वशी हल्दानिया भी रही मौजूद। मुहिम चलाया है कि स्कूल के बच्चे, मीडिया कर्मी, इनको विजिट कराया है, आकर के मिले और सब देखें कि अच्छे की क्या कार्य है जो चल रहे हैं, जो कोई थोड़ी बहुत मिसकंसेप्शन है वो थोड़ी दूर हो और इसके आगे बेटरमेंट क्या किया जा सकता है, इसकी भी जो आप लोगों के सजेशन है आमंत्रित। और यहाँ अभी हमारे जो जितना भी एफसीए का कार्य है सब ऑनलाइन है, कंप्यूटराइज ऑनलाइन सिस्टम से है। स्पेशली रिसेंटली वी आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस जियो टैगिंग एंड ऑल। ओपन सेल में भी जिस तरीके बढ़ती हुई कीमतों को कंट्रोल करने के लिए ओपन सेल भी टाइम टू टाइम चेंज, जैसे कि मार्केट में गेहूँ का रेट कंट्रोल रहे और सबको अवेलेबिलिटी रहे। एंड वी आर वर्किंग एज बफ, वी आर हैविंग बफर स्टॉक सो दैट कि किसी भी